कैनेडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या बाद भारत और कैनेडा वच्चे राजद्वारी संबंधों में तनाव वध्यो छे। तो भारतीय जबड़ातोड़ जवाब आपता कैनेडा नागरिकों माटे ई वीजा सेवा स्थगित कर दी थी, परंतु राजद्वारी विवाद वच्चे बे महीना विराम बाद हवे फरी भारते कैनेडियनों माटे ई वीजा सेवाओ शुरू करी होवानी माहिती प्राप्त थई छे। मळती माहिती प्रमाणे अंदाजे बे महीनाना सस्पेन्शन बाद भारते कैनेडानी नागरिकों माटे इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विस फरी शुरू करी छे। खालिस्तानी मुद्दे राजद्वारी विवाद बाद 21 सप्टेम्बरे भारते वीजा सेवाओ स्थगित करी हती। जून महीना में कैनेडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार एजेंटों शामिल होवानो कैनेडाए आरोप लगाव्यो हतो, जो कि भारत सरकारे निज्जर की हत्या में कोई भूमिका होवानो स्पष्ट इनकार कर्यो हतो, तेमज कैनेडा आरोपों ने पायविहोणा गणाव्या हता। अमेरिका ना सान फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुमला ना मामला की तपास मुद्दे एनआईए पंजाब और हरियाणा में 14 स्थलों दरोड़ा पड़ा था। एनआईए जणाव्यु कि हरियाणा ना कुरुक्षेत्र और यमुना नगर में दरोड़ा पड़वामां आव्या छे, जारे जालंधर मोगा लुधियाना और पटियाला सहित पंजाब ना घणा विस्तारों में पण एनआईए कार्यवाही करी हती। अधिकारीओए जणाव्यु कि एनआईए केस की तपास माटे ऑगस्ट 2023 में सान फ्रांसिस्को की मुलाकात लीधी हती। आ अंतर्गत हुमलाखोरों की माहिती एकत्र करवामां आवी हती। एनआईए कह्युं हतुं कि भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुमलानुं कावतरुं घडनारा केटलाक लोकोनी ओळख थई गई छे। एनआईएना प्रवक्ताए कह्युं कि 19 मार्च अने 2 जुलाईना रोज कंसुलेट पर हुमलो करवामां आव्यो हतो। राजस्थान में आगामी विधानसभा चूंटणी माटे चाली रहेलो प्रचार आजे सांजे 6 वागे समाप्त थशे। आ पछी क्यांक पण रोड शो सरघस रेली और सभा वगैरह नु आयोजन करवानी परवानगी नहीं मळे। जो कोई उम्मीदवार प्रचार करता जोवा मळशे तो तेनी सामे कार्यवाही करवामां आवशे। आ बधानी वच्चे आजे चूंटणी प्रचारना छेल्ला दिवसे बीजेपी और कोंग्रेसे पोतानी पूरी ताकत लगावी दीधी छे। बंने पक्षोना घणा मोटा नेताओ आजे राजस्थान आवीने जाहेर सभाने अने रेलीओने संबोधित करशे। आज राज्य में नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जेवा घणा मोटा नेताओ तेमना उम्मीदवारों माटे मत मांगशे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी माटे करेली फनौती टिप्पणी मुद्दे भाजपे चूंटणी पंच समक्ष फरियाद नोंधावी छे। आ साथ ज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विरुद्ध पण पंचनो दरवाजो खखड़ाव्यो छे। भाजपे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी विरुद्ध फरियाद करता बने नेता सामे कार्यवाही करवानी मांग करी छे। राहुल गांधी 21 नवेम्बर रोज जाहिर रेली में जणाव्यु हतु कि पीएम नो अर्थ एटले पनौती मोदी। राजस्थान में विधानसभा चूंटणी प्रचार दरमियान वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लईने एक भविष्यवाणी करी छे। पीएम मोदी दावो कर्यो कि लखी राखो राजस्थान में फरी क्यारे अशोक गहलोत की सरकार नहीं बने। प्रदेश दरेक खूणे थी एक ज आवाज आ रही छे कि अशोक गहलोत ने मत नहीं मळे। तेमणे अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार कायदो व्यवस्था और पेपर लीक ने लईने अनेक आक्षेपो कर्या हता। पीएमए कह्युं कि मावजी महाराज की पृथ्वी विषय की आगाही 100% साची छे। पवित्र धरती की ताकत है कि मैं मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान ना डूंगरपुर में जाहिर सभा ने संबोधता वडाप्रधान मोदी जणाव्यु कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना खराब शासन ने कारण युवाओं ना सपना चकनाचूर थई गया छे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकारे तमाम सरकारी भर्ती की निमणूकों में अनेक कौभाड़ कर्या छे। आ तमारा बाळकों साथे अन्याय समान छे। प्रदेश में भाजपनी सरकार बन्या बाद पेट्रोल और डीजल भावों की समीक्षा करवामां आवशे अने लोक कल्याण में निर्णय लेवामां आवशे। कांग्रेस की आशा ज्यां पूरी थाय छे त्यांथी मोदी की गेरंटी शुरू थाय छे। कांग्रेसे देश करोड़ों आदिवासियों ने क्यारे मदद करी नथी। भाजपे तेमना माटे अलग मंत्रालय बनावायु अने तेमना कल्याण माटे बजेट में वधारो पण कर्यो छे। कांग्रेस पार्टी राज्यना सरकारी अधिकारी साथे छेतरपिंडी करी छे। महीनाओ सुधी सरकारी अधिकारी पैसा सरकार पास अटवायेला छे अने आ मुद्दे कोई खास सुनावणी पण थई नथी।
कांग्रेस के कुशासन से कैसे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं ये डूंगरपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोते जणाव्यु कि पीएम मोदी रोड शो फ्लॉप साबित थयो छे। पीएम मोदी लगभग 9 किमी लांबो रोड शो हतो, परंतु तेओ एटली हद सुधी घबराई गया हता कि तेमने बहारथी लोकोने बोलावा पड्या हता। भाजपना शीर्ष नेतृत्वए स्थानिक मुद्दाओने महत्व आप्युं नथी। भाजपना दिग्गज नेता होय के केन्द्रीय मंत्री होय, तेओ लोकोने भड़कावानुं काम करे छे जे लोको पसंद करता नथी। कांग्रेस पार्टीए समझी विचारीने मेनिफेस्टो जाहेर कर्यो छे। अमारी मांग छे के केन्द्र सरकार राजस्थान सरकारनी कामगीरीनी नोंध लई समग्र देशमां आवी योजना चलावे। आ विषय में पीएम मोदी ने पण पत्र लख्यो हतो, परंतु तेम छतां कोई खास प्रतिभाव मळ्यो नथी। भारत सरकारे सोशियल सिक्योरिटी पर वधु काम करवुं जोईए। 9 किलोमीटर का रोड शो था उनका, इतने घबराए हुए लोग थे कि सारा रूट खत्म करके बाहर के लोगों को बुला करके और सिटी सिटी के अंदर जहाँ भीड़ वैसी रहती है वो कहा कि रोड शो था। ये घबराए हुए थे, खाली हमारे जो लोकल इश्यू हैं राज्य के उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री हो चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई भी हो, तमाम लोग भड़काने वाली बातें कर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जणाव्यु कि कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट थई गई छे। पीएम मोदी भ्रष्टाचार सामे कार्यवाही करवानी मांग करी हती, त्यारे हवे कौभांड अने गोटाळामां डूबेली कांग्रेस पार्टी परेशान थई गई छे। सरकारनी कार्यवाही थी डरीने कांग्रेसना नेता आवा निवेदन आपे छे। राजस्थानना लोको आ वखतनी विधानसभानी चूंटणीमां डबल एंजिननी सरकारनी पसंदगी करशे, कारण के कांग्रेसे तेना 5 वर्षना शासनमां प्रदेशने बर्बाद करी नाख्यु छे। राजस्थान भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, साइबर क्राइम, पेपर लिंक अने रमखाणूना मामलामां नंबर 1 बनी गयो छे। कांग्रेस पार्टीनी अगाउनी एक पण गेरंटी पूरी थई नथी। राजस्थानना लोको कांग्रेसने सत्तामांथी दूर करी योग्य जवाब आपशे। राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है, क्योंकि 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, पेपर लीक मामले में नंबर 1, दंगा और आतंक के मामले में नंबर 1, ये कुशासन का पर्याय बन गया है, इसलिए इसको हटा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए। एआईएमआईएम पार्टी ना अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी पर आकरा प्रहार करता कहूं कि हमारी पार्टी अमेठी बैठक पर थी चुटनी लड़ी न होती, तेम छता दुल्हे भाई त्यां थी चुटनी हारी गया। स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी ने तेमना वर्षो जूनी प्रभावशाली बैठक पर मात आपी, जो अमारी पार्टी एआईएमआईएम त्यां चूंटणी लड़ी होत तो कांग्रेस पार्टी कितनी लड़ी होत। आ साथ जो तेमने कहूं कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा बैठक पर थी एटला माटे चूंटणी जीती गया, कारण के त्यां तेमने मुस्लिम लीग ना लगभग 35% मत मळ्या। भारत की वास्तविक राजनीति आ छे, जो कांग्रेस पार्टी पासे कोई मतदाता बच्चा छे तो ए मुस्लिम छे, एटला माटे कांग्रेस पार्टी अमारा मुस्लिम नेतृत्वनी वातोथी परेशान थाय छे। दूले भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना आप, हम नहीं गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे, सोच लो आप, नए गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी, अपने बाबा दादा की सीट बार बार ये कांग्रेसी बोलते, दारू सलाम वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट दलाई राहुल गांधी को, इसीलिए जीते। बिहार में आज मड़ेली कैबिनेट बैठक में महत्वना निर्णय लेवामां आव्या हता, जेमां बिहार ना केन्द्र ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पछात अने पछात वर्ग आरक्षण सुधारा बिल ने बंधारणनी 9मी अनुसूचि में शामिल करवा विनंती करवामां आवी हती। बीजी बाजु फरी एकवार बिहार ने विशेष दरज्जानी मांग करतो ठराव पसार करवामां आव्यो। सीएम नीतीश कुमारे पोताना एक्स एकाउंट पर लख्यू छे के तेमणे फरीथी बिहार ने विशेष राज्यनो दरज्जो आपवानी मांग करी छे। देश में प्रथम वक्त बिहार में जाति आधारित वस्ती गणतरी करवामां आवी छे।
नीतीश कुमारे कहू कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार ने विशेष राज्य दरज्जो आपवा केन्द्र सरकार ने विनंती करने प्रस्ताव पसार कर मारी विनंती है कि बिहार लोगों हित ने ध्यान में राखी केन्द्र सरकार बिहार ने जल्दी से विशेष राज्य दरज्जो आपवो जोईए। बिहारना मुख्यमंत्री नीतीश कुमारे प्रदेश ने विशेष राज्य दरज्जो आपवा फरी एक बार केन्द्र सरकार ने रजूआत करी छे। त्यारे राज्यना पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादवे जणाव्युं कि बिहार ने विशेष राज्य दरज्जो आपवो जोईए, जो मोदी सरकार तेमना प्रदेश ने आ दरज्जो नहीं आपे तो अमे मोदी सरकार ने हटावी दईशुं। ईडी द्वारा एजेएल और यंग इंडिया की संपत्ति जप्त करवामां आवी छे, त्यारे आ विषे प्रतिक्रिया आपता उद्धव ठाकरे समूह की शिवसेना नेता संजय राउते जणाव्युं कि नेशनल हेराल्डी अखबारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान आप्युं हतुं, भाजपना घणा नेताओं सामे पण केस दाखल थयेल छे परंतु तेमनी मिलकत जप्त करवामां आवी नथी। कटाक्षमां राउते कह्युं कि जे वॉशिंग लोको भाजपना मशीनमां आवशे तेमनी मिलकत छोड़ी देवामां आवशे। नेशनल हेराल्ड एक राजकीय केस छे, તેઓ વિરોધ પક્ષના લોકોનો અવાજ દબાવવા માંગે છે પરંતુ આવું કરવું આટલું સરળ નથી। દેશની લોકશાહી માટે આ લડાઈ ચાલી રહી છે, અંગ્રેજોના શાસનમાં પણ આવું થતું હતું। યાર કોઈ હો પ્રોપર્ટી જપ્ત કર લી હે, કુછ કેસ હોગા, હો સકતા હે। બીજેપી મેં ભી એસે બહોત સે હે केसेस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, वो सभी को इस प्रकार से आप परेशान करेंगे। लेकिन जो आपके वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। लोकसभा ने विशेषाधिकारी समिति भारतीय जनता पार्टी ना सांसद रमेश बधूरी ने बहुजन समाज पार्टी ना सभ्य दानिश अली विरुद्ध वांधाजनक टिप्पणी करने बदल 7 डिसेम्बरे हाजर थवानो आदेश कर्यो छे। तो आ साथ ज समिति 7 डिसेम्बरे मौखिक पुरावा माटे दानिश अली ने पण बोलाव्या छे। आ पहला बधूरी पोतानी असमर्थता दर्शाता समिति समक्ष हाजर थया न हता। चंद्रयान 3 नी सफलता अने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत नी सिद्धिओ पर संसद में चर्चा दरमियान विधोरीए अली विरुद्ध वांधाजनक शब्दों उपयोग कर्यो हतो। आ पछी खुद दानिश अली उपरांत लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद सुप्रिया सुले अने विपक्षी सभ्य गृहना अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्र लखीने विधोरी सामे कार्यवाही करवानी मांग करी हती। आ सांसदोए आ मामलो विशेषाधिकारी समिति ने मोकलवानी पण विनंती करी हती। राजस्थानना कोटामां विद्यार्थीओना वधता आत्महत्याना मामले सुप्रीम कोर्टे कह्युं कि आत्महत्या माटे कोचिंग संस्थाओने दोषी ठेरवी शकाय नहीं। विद्यार्थीओना माता-पिताની वधती जती अपेक्षाओ बाळको पर अयोग्य दबाण लावी रही छे। वास्तवमां सुप्रीम कोर्टे खानगी कोचिंग संस्थाओना नियमन अने तेमना मापदंड नक्की करवानी मांग करती अरजी पर विचार करवानो इनकार करती वखते आ टिप्पणी करी हती। सुप्रीम कोर्टे कह्युं कि मृत्युआंक आनाथी घणो वधारे होय शके छे। कोर्टे एम पण कह्युं कि परीक्षाओ खूब ज स्पर्धात्मक बनी गई छे अने वालीओने घणी अपेक्षाओ होय छे। आवी परीक्षाओमां विद्यार्थीओ अर्धा मार्क अथवा एक मार्क गुमावे छे तो तेओ दबाणनो सामनो करी शकता नथी। भाजपना सांसद रविशंकर प्रसादे जणाव्युं कि कांग्रेस पार्टी कहे छे कि स्वतंत्रता संग्रामनी लड़ाईमां તેમનું મહત્વનું યોગદાન છે। પહેલા તેમણે સ્વતંત્રતા સંગ્રામની લડાઈના જશ્ને પોતાના પરિવાર સાથે સામેલ કરી, ત્યાર પછી તેના આધારે તેમની બાદશાહત કાયમ થઈ ગઈ। નેશનલ હેરાલ્ડની કહાની એ છે કે આ પરિવાર માત્ર સ્વતંત્રતા ચળવળ અને પાર્ટીના વારસાને જ નહીં પરંતુ મિલકતના વારસાને પણ નિયંત્રિત કરે છે અને પછી તેને પોતાની અંગત મિલકત બતાવે છે। સ્વતંત્રતા સંગ્રામને લગતા અખબારો, શેર અને મિલકતો છે અને આ મિલકત પણ તેઓ દાવો કરે છે કે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ, એજેએલ અને યંગ ઇન્ડિયનની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી। લેકિન પહેલે ઇન્હોને આઝાદી કી લડાઈ કો અપને પરિવારમાં એપ્રોપ્રિએટ કર લિયા ઓર ઉસકે બાદ ઉસી બિના પર પરિવાર કી બાદશાહત શરૂ હો ગઈ। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है
कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडीए मोटी कार्यवाही करी, 751 करोड़ रूपया की संपत्ति जप्त करी छे। त्यारबाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी पर आकरा प्रहारों कर्या छे। खड़गे कहूं कि भाजप पांच राज्यों में चूंटणी हारी रही छे, जेना कारणे तेने ईडीनो उपयोग करवानी फरज पड़ी छे। ईडीए एजेएलनी मिलकत जप्त करी छे, ते वर्तमान चूंटणी में भाजपनी हताशा दर्शावे छे। चूंटणी दरमियान एजेंसीओनो दुरुपयोग करवानी भाजपनी पद्धति नवी नथी, जो कि हवे समग्र देशनी सामे तेनो पर्दाफाश थयो छे। तमिलनाडु और केरल में छेल्ला बे दिवसथी सतत भारे वरसाद पड़ो छे, जेना कारणे घणा जिल्लाओं में पाणी भराई जवानी स्थिति छे। हवामान विभागे कोईपण कारण वगर घरनी बहार न निकळवानी सलाह आपी छे। दक्षिण भारतना दरियाकांठाना राज्यों पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मंगलवारथी भारे वरसाद थई रह्यो छे। आ दरमियान हवामान विभागे आ राज्यों में बुधवार और गुरुवार सुधी भारे वरसादनी आगाही करी छे, आ साथे चेतवणी जारी करी छे। तेना आधारे केरल और तमिलनाडुनी सरकारोए राज्य में तकेदारी राखवा माटे एडवाइजरी जारी करी छे। सरकारे बिनजरूरी रीते घर की बहार न निकळवानी सलाह आपी छे, ज्यारे पुडुचेरी और कराईकलामां शाळाओ बंद करवानी जाहेरात करवामां आवी छे। G20 वर्चुअल समिट में संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदी गाजा में जारी युद्ध विषय खुली ने चर्चा करी हती। पीएम मोदी जणाव्यु कि अमे मानीए छे कि आतंकवाद अपना बधा माटे अस्वीकार्य छे, नागरिकोना मौत ज्यां पण थाय छे ए निंदनीय बाबत छे, बंधकोने मुक्त करवाना समाचारनुं अमे स्वागत करीए छे, मानवतावादी सहायनी समयसर उपलब्ध करावो खूब ज आवश्यक छे, इजरायल अने हमास वच्चेनुं युद्ध कोई प्रादेशिक स्वरूप न धारण करी ले ए पण सुनिश्चित करवो खूब ज जरूरी छे। वडाप्रधाने G20 डिजिटल कॉन्फरेंस में कह्यु कि पश्चिम एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता अपना बधा माटे चिंतानो विषय छे। तेमणे एआई ना वधता उपयोग अंगे पण चर्चा करी हती। एआई ना नकारात्मक उपयोग ने लईने विश्वभर में चिंता वधी रही छे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोको माटे सुलभ अने समाज माटे सुरक्षित होवु जोईए। मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजिस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजिस जल्दी रिहा हो जाएंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए एयर इंडिया पर मोटी कार्यवाही करवा दंड फटकारो छे। डीजीसीए नियमों मुजब पेसेंजर सुविधाओ अने वर्तर अंगेनी तेमनी जवाबदारीओनुं पालन सुनिश्चित करवा माटे मे अने सप्टेम्बर मां डोमेस्टिक ऑपरेटर्स माटे दिल्ली, कोची अने बेंगलोर एरपोर्ट पर निरीक्षण हाथ धर्युं हतुं। तपासमां जाणवा मळ्युं कि एर इंडिया संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओनुं पालन करती नथी। एर इंडियाए डीजीसीए ना नियमोनुं पालन कर्युं न होवाथी 3 नवेम्बर कारण बताओ नोटिस मोकलीने जवाब आपवा माटे कहेवामां आव्युं हतुं। हवे डीजीसीए एर इंडिया पर कायदेसरनी कार्यवाही करता 10 लाख रूपियानो दंड फटकार्यो छे।